जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कान्हा जी को जो है किस तरह से जो है इन्हें शयन कराया जाता है, किस तरह से सुलाया जाता है। और एक विशेष वीडियो चैनल पर अपलोड करूंगी। एक कमेंट आया था और काफ़ी अच्छा लगा था मुझे वो कमेंट कि क्या रात्रि में तो हम कान्हा जी को जिस तरह से शयन कराते हैं, दोपहर में भी कान्हा जी को शयन कराना ज़रूरी है। इस पर एक सेपरेट वीडियो लाऊँगी। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अभी जो कान्हा जी के भोग है रात्रि का वो लग चुका है। भोजन जो है उसके बाद मैं इन्हें भोग लगाती हूँ दूध का, तो दूध का भोग जो है वह भी लग चुका है। लड्डू और लाडली दोनों ही साथ में जो बेड है वहीं पर ही साथ में शयन करते हैं। तो आज गोपाल जी के स्पेसिफिक मैंने वीडियो बनाई है, तो इसलिए आप सभी को ये मैंने बता दिया। तो देखिए, यहाँ पर जो है कान्हा जी के जो हैवी पोशाक इन्होंने पहनी हुई थी वो मैंने उतार दी और चेंज करके इनके मैंने पहना दी है कान्हा जी के कॉटन की सॉफ्ट सी पोशाक। जो भी एसेसरीज़ या जो भी आप कह सकते हैं ज्वेलरी कान्हा जी ने पहनी हुई है, हैवी ज्वेलरी है, तो उसे भी मैं रिमूव कर देती हूँ। तिलक वगैरह इनके जो मैंने लगाया था वो मैंने हटा दिया है। और अब मैं यहाँ पर गुलाब जल जो है वह लूँगी और कॉटन से इनके शरीर पर अच्छे से वह रब करके वह लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो प्रभु के इत्र सेवा भी दे सकते हैं, दोपहर में दे सकते हैं। इत्र सेवा किस तरह से देनी है वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है और कोशिश करूँगी मैं हमारे नए सब्सक्राइबर्स के लिए फिर से वो वीडियो लेकर आऊँ। तो मैं इस तरह से आज जो है इनके शरीर पर अच्छे से मैंने ये गुलाब जल जो है वे लिया है और इनके शरीर पर लगाकर जो भी तिलक वगैरह हम लगाते हैं वो सारी चीज़ें मैंने हटा दी है। और रात्रि में प्रभु करेंगे विश्राम। हम भी अगर बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी या हैवी पोशाक जो है वह पहनकर सोते हैं तो कितना अनकंफर्टेबल लगता है, हम अच्छे से शयन नहीं कर सकते, नहीं कर पाते उस तरह की पोशाक में। तो बस कान्हा जी के भी आप इसी तरह से जो है हल्की फुल्की पोशाक रात्रि में पहनाएं, हो सके तो कॉटन की पोशाक जो है वह पहनाएं। और सर्दियों में किस तरह से शयन कराना है उस पर एक सेपरेट वीडियो सर्दियों पर आएगी फ्रेंड्स। और देखिए, यहाँ पर सोफ़े पे जहाँ पे कान्हा जी विराजित थे अब मैंने वहाँ तकिया लगा दिया है। थोड़ी देर में यहाँ पर इन्हें विश्राम कराऊँगी। यहाँ पर अच्छे से जो कान्हा जी के हाथ पांव हैं वह हम दबा देंगे, क्योंकि सुबह से हमारे गोपाल जी जल्दी उठते हैं, स्नान किया, श्रृंगार हुआ और फिर उसके बाद पूरा दिन जो है तो इनकी जो भी दिनचर्या होती है तो प्रभु थक जाते होंगे, तो बस इन्हें बहुत थकान जो है वो हो गई होगी। तो अच्छे से इनके हाथ पैर दबाइए और गोपाल जी के हाथों पर जिस हाथ में ये लड्डू पकड़े हुए हैं उस हाथ पर भी अवश्य अच्छे से दबाएं, मालिश कीजिए। हो सके तो अगर यदि आप अलग से मालिश वगैरह करते हैं दोपहर में या रात्रि पर तो वह बहुत अच्छी बात है। मैं जिस तरह से करती हूँ वो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से प्रभु के थोड़ी देर मालिश करें और हाथ पैर दबाएं। मैं मालिश नहीं करती हूँ रात्रि में, तो मैं इसी तरह से इनके जो हाथ पैर है वह दबाती हूँ और फिर प्रभु के मैं शयन कराती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कान्हा जी के जो पोशाक है वो सब चेंज कर दी है और गुलाब जल से मैंने इनके शरीर पर अच्छे से रब कर दिया। और उसके बाद मैं प्रभु के यहाँ पर देखिए आप, मैंने इस मुद्रा में जो है इन्हें विश्राम कराया है। तकिया जो है वो मैंने इनके समीप लगा दिया है। अब कान्हा जी को हमारे नींद जो है वह आने लगी है और बस अब जो इनका बेड है, बिस्तर है, वह मैं अच्छे से लगा दूंगी साफ़ करके। तो वैसे तो यहाँ पर कान्हा जी का बिस्तर जब सुबह मैं इन्हें उठाती हूँ तो तभी साफ़ कर देती हूँ, रात्रि में फिर से मैं ये बिस्तर जो है वह इन साफ़ कर दूंगी। कान्हा जी का बिस्तर साफ़ करने के बाद फिर यहाँ पर हम इन्हें शयन कराएंगे। जब आप प्रभु के शयन कराते हैं तो इनके हाथों के नीचे ज़रूर से एक जो तकिया है वह रखें और
अगर आपके पास इस तरह से गोल लंबे में तकिया हो तो आप वह भी रख सकते हैं जिसे मसलन कहते हैं। तो उस तरह के तकिए जो हैं बूस्टर्स जो होते हैं, अगर छोटे में वह है तो वह रख सकते हैं, छोटे पिलोज़ है तो वह रख सकते हैं, नहीं है वह भी तो आप एक छोटा सा हैंकी ले लीजिए, और जो हैंकी आप कान्हा जी के लिए यूज़ करते हो तो उस तरह के छोटे से नैपकिन्स जो हैं, हैंकीज जो हैं जो सॉफ्ट एकदम आते हैं, वो उसे भी रैप करके आप प्रभु के हाथों के नीचे रख सकते हैं। और यहाँ पर कूलर जो है वह मैंने लगा दिया है, नीचे आइस ट्रे है तो मैं इसमें आइस डाल देती हूँ ताकि जब ये स्टार्ट हो तो प्रभु के ठंडी ठंडी हवा मिले और कान्हा जी को बहुत अच्छी नींद आए। और समीप ही मैं इनके जो सुराही है मिट्टी की वो उस पर पानी भर कर रख देती हूँ। तो जिस तरह से जो भी चीज़ आपके पास हो वह आप इनके रख सकते हैं। कई लोग चांदी का जो लोटा है वह भी बहुत ठंडाता है, उस पर भी पानी जो है बहुत ठंडा होता है, वह भी रख सकते हैं। और मिट्टी की तो बात ही अलग है, तो मैं यहाँ पर ये छोटी सी सुराही गर्मियों में इसका ही प्रयोग करती हूँ प्रभु के जल वगैरह देने के लिए, तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। कूलर में सेट कर रही थी ताकि हमारे कान्हा जी की ठंडी ठंडी हवा मिले, प्रभु अच्छे से जो है वह शयन करें। कंबल यहाँ पर ब्लैंकेट एक सॉफ्ट सा है वो मैंने पास में ही इनके रख दिया है, पूरा मैं यहाँ पर इन्हें नहीं उड़ाऊँगी, इस तरह से मैं रख देती हूँ क्योंकि जब रात में बहुत ज़्यादा ठंड लगती होगी, कान्हा जी की ठंडी ठंडी हवा मिलेगी तो एकदम रात में टेम्परेचर कैसा हो जाता है, तो बस मैं इनके समीप रख देती हूँ ताकि जब प्रभु को ओढ़ना हो तो प्रभु आराम से ये ले लें और अपना विश्राम करें। इसके बाद कान्हा जी के मैं सुलाती हूँ, कोई भी लोरी जो है आप, जो भी लोरी आपको आती हो वह आप गा सकते हैं। निंदिया रानिया जा मेरे लाल को सुला जा, निंदिया जा मेरे कान्हा के नैन में, निंदिया रानिया जा मेरे लाल को सुला जा, निंदिया जा मेरे कान्हा के नैन में। चंदा मामा मीठे सपने दिखाओ, आसमां के तारों मेरे गिरधर को निहारो, निंदिया जा मेरे कान्हा के नैन में। निंदिया रानी तो दोस्तों इसी तरह से मैं अपने गोपाल जी और लाडली के जो शयन हैं वह कराती हूँ। एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी इस टॉपिक पे कि कान्हा जी के दोपहर में जो शयन है वह कराना आवश्यक होता है या नहीं, यदि आप कराते हैं तो किस तरह से कराएं, नहीं शयन कराते हैं तो क्या करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।